हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। फ्रेंड्स कैसे हैं आप? आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर के पुलाव, जो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। आज हमने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, जो सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कुकर लिया है, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच जो है ऑयल के डाले हैं, कुकिंग ऑयल के। आप जो भी ऑयल खाना पसंद करते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाए तो उसे मैंने 1 तेज़पत्ता, 2 से 3 लौंग और उसके बाद जीरा 1/2 चम्मच के करीब मैंने जीरा ऐड किया है। जीरे को तड़कने देंगे। अब हम इसे प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हमें जब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इसमें से कच्चापन नहीं निकल जाता, जब तक हम इसे फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे इनके। थोड़ा सा धनिया पत्ता, फ्रेश धनिया आता है ना, उसकी पत्ती मैं ऐड कर रही हूँ। इसे डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और फ्लेवर जो बहुत अच्छा आता है। जो हम आज आलू मटर के पुलाव बना रहे हैं ये बिल्कुल आज सिंपल तरीके से बना रहे हैं और इसे मैं आज कुकर में बना रही हूँ, कढ़ाई में नहीं। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया था। इसको हमें जब तक भूनना है जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। धनिया 1/2 चम्मच, हल्दी, आप बिना हल्दी के भी इसे बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे बनकर आते हैं चावल। लाल मिर्च पाउडर या फिर अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करिएगा। जीरा पाउडर, ये भुना हुआ जीरा उसका पाउडर है। गरम मसाला, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो इसमें एक हरी मिर्च भी काट कर इसमें ऐड कर सकते हैं। इन मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें आलू ऐड करूँ। ये मैंने 2 छोटे आलू लिए थे, उनको मैंने ऐसे पीसेस में कट कर लिया है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। आलू को मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम सब मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होते हैं ये आलू मटर पुलाव। इसको ऐसे हम अच्छे से हम इसके साथ मसालों के साथ भून लेंगे। अब मैं इसमें मटर ऐड करूँगी। अब मैंने 1 कप के करीब जो है मटर ली है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मेरी फ्रोजन मटर है, आप इसमें फ्रेश मटर भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसे डालने से ही, क्योंकि हम बनाए आलू मटर के पुलाव रहे हैं तो इसके बिना हमारे पुलाव अधूरे बनेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों में। आप देख सकते हैं अब मैंने इसी कटोरी की मेजरमेंट के हिसाब से चावल लिए थे, जिनको मैंने भिगो लिया था धो के अच्छे से, उसकी मेजरमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। अब 1 कटोरी में पानी ऐड कर चुकी हूँ, 2 कटोरी में डाल रही हूँ पानी की। जैसे हमारी 1 कटोरी चावल है तो उसका 2 गुना पानी हम डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस दौरान आप नमक को चख भी सकते हैं कि आपका जो नमक है वो कम तो नहीं है। नमक को ऐड करने के बाद अब इसमें चावल ऐड करेंगे। ये मैंने बासमती चावल लिए हैं, इनको मैंने अच्छे से धोकर 15-20 मिनट के लिए धोकर रख दिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। चावल को ऐड करने के बाद अब हम इसको कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और इसमें 1 सीटी आएगी, बस 1 विसल देंगे, उसके बाद हम गैस का फ्लेम जो है बंद कर देंगे। 1 सीटी इसमें कुकर में आ गई थी और इसकी जो विसल है वो अच्छे से निकल गई है। अब हम खोलकर चेक कर लेते हैं कि हमारे जो आलू मटर के पुलाव है वो कैसे बने। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे हमारे पुलाव बनकर आए हैं। अब मैं इसे एक बर्तन में सिफ्ट कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, तो अब इसे हम बर्तन में सिफ्ट कर लेते हैं। हमारे आलू मटर के पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में और सभी को बहुत पसंद आते हैं। इसे आप कभी बनाकर खा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं, कभी बनाकर और इसे इंजॉय कर सकते हैं।
मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। आप गरम गरम चावल हैं उसके साथ दही हो तो खाने का मजा ही दुगना हो जाता है। तो मैं तो अपने मटर पुलाव को, आलू मटर के पुलाव को इंजॉय कर रही हूँ दही के साथ। आप भी ऐसे बनाकर इंजॉय कीजिए और मुझे बताइए कि आपके ये आलू मटर के पुलाव कैसे बने। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।